वह कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, नए अध्यक्ष पूर्ण चंद कोको और तमाम युवक कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक थी। आने वाले दिनों में कामकाज को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। निश्चित रूप से वो हमारे सीनियर हैं और बड़े भाई की तरह से हैं। उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है, हमारे पूरे कमेटी और टीम को प्यार दिया है। जिस तरह से उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, हम उस पर चलने का काम करेंगे और संगठन की मजबूती के लिए सारा छत्तीसगढ़ का युवा कांग्रेस का टीम काम करेगा। हाँ देखिए, कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और सरकार बनने के बाद कई अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद मैंने हाईकमान को अवगत कराया था कि दोनों जगह थोड़ा मुश्किल होगा, तो उन्होंने नए अध्यक्ष नियुक्ति की है, अच्छे हैं। मैं मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और हमेशा इनके साथ हूँ जब भी कोई जरूरत पड़ेगी। विदिशा शहर भी